आखिरकार गुजरात को और चेन्नई को फाइनल मुकाबलो हो ही गयो। ये मुकाबलो दो दिन से आगे पीछे चल रहे हो और इस मैच में बार बार बरसात आ रही, लेकिन कल बरसात के बावजूद भी फाइनल मैच को रिजल्ट आ गयो और यो फाइनल मैच चेन्नई ने 5 विकेट से अपना नाम कर लियो। तो चलो बात करते हैं इस मैच के बारे में। मैच में सीएसके की टीम पहले टॉस जीतकर फील्डिंग चूज करी और गुजरात की टीम खेलने उतरी। गुजरात के दोनों ओपनर ने बहुत ही धुआंधार शुरुआत करी। गुजरात को ओपनिंग बैट्समैन ऋद्धिमान शाह ने 54 रन बनाया और विकेट के अलावा फॉर्म में चल रहे शुभम गिल 39 रन बना के आउट हो गए। इस मैच में गुजरात का प्लेयर बहुत ही धुआंधार खेल रहा और चेन्नई के सब बॉलर की पिटाई कर रहा, लेकिन बाद में चेन्नई ने 2 विकेट निकाला और ऋद्धिमान शाह और शुभम गिल ने आउट करो। लेकिन फिर भी इस टीम में एक अनकप प्लेयर साई सुदर्शन ने बहुत चौको प्रदर्शन दिखाया और साई सुदर्शन ने आपकी टीम के लिए 6 रन बनाया। साई सुदर्शन की बेहतरीन पारी के बाद हार्दिक पांड्या ने भी बढ़िया मैच फिनिश किया और 2 छक्का दे दिया। गुजरात ऑल टीम 20 ओवर में 214 रन को टारगेट खड़े कर दियो और यो टारगेट चेन्नई के सामने एक पार जो टारगेट होगा। चेन्नई के लिए पथराना ने 2 विकेट निकाला और भी के साथ साथ रविंद्र जडेजा और दीपक चार ने भी 1-1 विकेट आपके नाम करो। और दूसरी इनिंग में चेन्नई जब बैटिंग करना आई तो 3 बॉल में 4 रन चेन्नई बना लिया, लेकिन बाद में बरसात दोबारा से आने लगी और एक बार फिर से मैच कुछ घंटा के लिए रुक गयो। लेकिन बाद में जब मैच 12-10 पर शुरू हुए तो यो मैच 15 ओवर को कर दियो और चेन्नई ने टारगेट दियो 171 रन को। लेकिन चेन्नई का ओपनिंग बैट्समैन ने भी चेन्नई ने बहुत अच्छी शुरुआत दी। ऋतुराज गायकवाड़ और डी कॉनवे की पारी ने चेन्नई ने एक बार फिर से पटरी पे ला दियो। लक्ष्य ने चेज करता टाइम चेन्नई मात्र 4 ओवर में 52 रन डाल दिया, लेकिन इस मैच में बहुत ही उतार चढ़ाव रहा। चेन्नई की अच्छी पारी के बाद में गुजरात को बॉलर नूर अहमद ने एक बार फिर से चेन्नई ने बैकफुट पे खेल दियो और चेन्नई का 2 विकेट निकाल दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 26 रन बना के आउट हो गए तो डी कॉनवे भी 47 रन की जबरदस्त पारी खेल के आउट हो गए। इन दोनों बल्लेबाजों का आउट होने के बाद में मैदान पर शिवम दुबे और अजिंक्य रन ने पारी संभाली और अजिंक्य रन ने लगातार 2 छक्का लगा कि चेन्नई की मैच में वापसी फिर से करवा दी। लेकिन बाद में अजिंक्य रन भी 13 बॉल में 27 रन बना के आउट होगा और एक बार फिर से मैच गुजरात के हाथ में चले गयो। अजिंक्य रन के आउट होने के बाद में मैदान पर आयो अम्बात्री रायडू को यो लास्ट मैच हो और लास्ट मैच में अम्बात्री रायडू बहुत ही चौको खेल दिखायो। ये मैच में अम्बात्री रायडू ने 8 बॉल में 19 रन जड़ दिया और 2 लंबा छक्का भी मिला। तो एक बार फिर से सबने चेन्नई से उम्मीद होगी कि चेन्नई इस बार टाइटल जीत सके, लेकिन बाद में मोहित शर्मा ने अम्बात्री रायडू को विकेट निकाल दियो और पहले ही बॉल पर एमएस धोनी को विकेट भी निकाल दियो और मैच फिर से एक बार गुजरात के पक्ष में चले गयो। एमएस धोनी का आउट होने के बाद में मैदान पर आयो रविंद्र जडेजा और फिर जडेजा और शिवम दुबे ने मिलकर टीम ने जीत के करीब लेगा। लेकिन लास्ट ओवर में सीएसके ने 13 रन की जरूरत थी और मैदान पर जडेजा और शिवम दुबे खेल रहा और गुजरात की तरफ से बॉलिंग कर रहे हो मोहित शर्मा लास्ट ओवर में 4 बॉल में मात्र 3 रन दिया और अब सीएसके ने 6 हाथ लास्ट 2 बॉल पर 10 रन और इधर यो मैच दोनों टीम के हाथ में जाता दिखो। लेकिन बैटिंग पे हो जडेजा तो जडेजा ने पहली बॉल पर छक्को मारे और दूसरी बॉल पर चौको लगा कि सीएसके ने 5वां टाइटल जिता दियो। जडेजा की चौका के दम पर सीएसके ने यो मैच 5 विकेट से अपना नाम कर लियो और 5वीं बार आईपीएल ट्रॉफी उठा ली। तो आज वाले वीडियो में बस इतना ही। थाने वीडियो चौको लग गया तो वीडियो लाइक करियो और चैनल सब्सक्राइब करियो।